आज मोती झील प्रांगण में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 397वें प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर गुरु नानक फुलवारी कानपुर सोसाइटी के द्वारा बच्चों के लिए ड्राइंग, कलरिंग, हैंडराइटिंग, गुरुवाणी आदि का कॉम्पिटिशन किया गया, जिसमें 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं अध्यक्षा बलजीत कौर मीनू ने बताया कि जो बच्चे विजयी हुए उनको पुरस्कृत किया गया और सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दे के उनको पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बलजीत कौर मीनू अध्यक्षा, जसप्रीत कौर, जसबीर कौर, जगजीत कौर, गगनदीप कौर, तन्नु भाटिया आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। आपकी संस्था द्वारा आज ग्रुप पर क्या कार्य, यहाँ पे कौन सा कैंप लगाया गया? हमने नाम रंग भर के बच्चों को वाणी के साथ जोड़ने का कैंप लगाया है। इसमें बच्चों ने अलग अलग तरह के ड्राइंग बनाई है, जैसे मेन मोटिव है जैसे बच्चों को जोड़ना। कितने बच्चों ने लमसम पार्टिसिपेट करा? कम से कम 400 बच्चों ने। कितने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया? 300 बच्चों को तो दे चुके हैं, अभी बाकी लिख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे सारे बच्चे ऐसे ही नाम के साथ जुड़ के रहें और गुरु नानक फुलवारी में ऐसे ही नाम के साथ जुड़ के रहें। फिर से यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ सिख बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया है या कानपुर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे जैसे हम लोग टीचर्स हैं, उन्होंने नाम लिखे हैं, बच्चों के एड्रेस लिखे हैं, तो कुछ बच्चे दिल्ली से भी आए हुए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे फैजाबाद से भी आए हुए हैं और हिंदू बच्चों ने भी, जैसे हाँ हिंदू बच्चों ने भी, मुस्लिम बच्चों ने भी, सब ने मतलब बहुत ही उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएँ हैं वो सभी धर्मों को जोड़ने